ने वाले उस एटीएस कमांडो सेंटर की जिसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी की राजनीति का सियासी सेंटर बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे। यहां एटीएस कमांडो सेंटर की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखने के बाद करीब 20 मिनट तक जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कई बार आतंकवाद को लेकर बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी यूपी से एक बार फिर दंगों को लेकर पिछली सरकार को घेरा और हिंदुत्व की पिच पर जमकर बैटिंग। आतंकवाद पर योगी का ठोको नीति वाला वार। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। देवबंद से विपक्ष पर फायर प्रहार। हिंदुत्व की पिच पर भाजपा की बैटिंग। बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। यूपी के किस हिस्से में कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलना है, इसके लिए भाजपा के नेताओं ने फुल प्रूफ तैयारी की है। पश्चिमी यूपी में माहौल बदलने का दावा है। ऐसे में एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा भी दी जा रही है और ध्रुवीकरण की राजनीति का राग भी बार बार अलापा जा रहा है। देवबंद में एटीएस सेंटर की आधारशिला रख सीएम योगी ने पूरे पश्चिमी यूपी में एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। मंच से उन्होंने न सिर्फ आतंक पर अपनी नीति साफ की बल्कि साथ में धर्म की राजनीति और दंगे के इतिहास को लेकर विरोधियों पर करारा प्रहार किया। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं। पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति मैच जिताने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए भाजपा का प्लान यहां पुराना है। इस बार जब सीएम योगी देवबंद में थे तो धर्म से लेकर पलायन का और माफियाओं से लेकर आतंकियों तक का खूब जिक्र किया। अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। जो केराना का पलायन कराते थे आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है, जब कावड़ यात्रा चलाई जाती है तो इनको पीड़ा होती है। 22 के युद्ध में नेताओं की जुबान पर विरोधियों का नाम भी खूब आ रहा है। सीएम योगी ने देवबंद की रैली से भी अखिलेश का नाम कई बार लिया और पश्चिमी यूपी के दलित वोटर्स को रिझाने के लिए बड़ा दांव भी चला। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था, 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज
जो मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर था उसका नामकरण ही उसने बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को तोड़ने की धमकी देती थी सपा की सरकार। पश्चिमी यूपी में पूरा खेल 26 जिलों की 136 सीतों पर है। आमतौर पर इस पश्चिमी यूपी में भाजपा का सूरज अस्त रहता था, लेकिन 2017 में बड़ा बदलाव दिखा। अब भाजपा 2017 वाले नतीजों को फिर से दोहराने की कोशिश में है और इसके लिए सीएम योगी अपने तर्कश से हर वो बाण निकाल रहे हैं जो चुनाव में हवा बदल सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।